वेलकम स्टूडेंट, ये क्लास आपकी पिछले क्लास की कंटिन्यूएशन में ही है। जैसे सपोज कर लो एक तरह से सेकंड पार्ट ऑफ द प्रीवियस क्लास, जिसमें हम लोग ने लास्ट में 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 3 प्रॉब्लम हम डिस्कस किए थे। उसी के आगे अब ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम 2 और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपको प्रॉब्लम सम्स एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें भी हम रीड करेंगे, आप चाहो तो नोट इट डाउन कर लो कि क्या क्वेश्चन है, ताकि उसका सॉल्यूशन आपको क्लियर हो सके। इन अ सर्वे ऑफ 25 पीपल 15 स्पीक्स मराठी। इन अ सर्वे ऑफ 25 पीपल 15 स्पीक्स मराठी, 12 स्पीक्स पंजाबी एंड 11 स्पीक्स गुजराती। आप चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो, मराठी का कैपिटल M ले लो, पंजाबी के लिए कैपिटल P और गुजराती के लिए कैपिटल G ले लो। हम भी उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले ही ये सपोज करके चलते हैं कि हमने क्या क्या सपोज किया है, कि M हमने मराठी के लिए ले लिया, P पंजाबी के लिए ले लिया और G गुजराती के लिए। आप लिखते समय भी शॉर्ट में लिख लो, जल्दी लिखा जाएगा। सो इन अ सर्वे ऑफ 25 पीपल 15 स्पीक्स मराठी, 12 स्पीक्स पंजाबी एंड 11 स्पीक्स गुजराती। 5 स्पीक्स मराठी एंड गुजराती, 5 लोग ऐसे हैं जो मराठी और गुजराती दोनों बोल रहे हैं, 9 ऐसे हैं जो मराठी और पंजाबी बोल सकते हैं, 4 ऐसे लोग हैं जो पंजाबी और गुजराती दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, 3 ऐसे लोग हैं जो ऑल 3 लैंग्वेजेस बताते हैं बोलते हैं। मीन्स हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि 5 लोग ऐसे हैं जो मराठी और गुजराती बोलते हैं, 9 ऐसे हैं जो मराठी और पंजाबी बोलते हैं, 4 स्पीक पंजाबी एंड गुजराती एंड 3 पीपल आर देयर हु स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। ठीक, हमको कई चीजें फाइंड करनी है। फाइंड नंबर ऑफ पीपल दैट स्पीक, ध्यान से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फाइंड नंबर ऑफ पीपल दैट स्पीक ओनली गुजराती, पहला है ओनली गुजराती, सेकेंड ओनली मराठी, थर्ड ओनली पंजाबी, फोर्थ पंजाबी एंड गुजराती बट नॉट मराठी, फिफ्थ है मराठी एंड पंजाबी बट नॉट गुजराती, सिक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस, सेवन ओनली वन ऑफ द लैंग्वेज, एट नन ऑफ द लैंग्वेज। टोटल 8 पार्ट आपको कैलकुलेट करने हैं। हम फिर से बोल दे रहे हैं, पहला ओनली गुजराती, दूसरा ओनली मराठी, तीसरा ओनली पंजाबी, चौथा पंजाबी एंड गुजराती बट नॉट मराठी, पांचवा मराठी एंड पंजाबी बट नॉट गुजराती, सिक्स है आपका एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस, सेवन ओनली वन ऑफ द लैंग्वेज, एट नन ऑफ द लैंग्वेज। ये आपका क्वेश्चन है। अब हम इसका सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे होगा। फॉर दिस गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि सर्वे में टोटल कितने लोग हैं, 15 लोग हैं हमारे सर्वे में, ठीक है, 25 लोग हैं और जिसमें से 15 मराठी बोलते हैं, तो 15 लोग हैं जो मराठी बोल रहे हैं, एन एम हमने लिख दिया इसको, 12 पंजाबी बोल रहे हैं, एन सी लिख दिया हमने, फिर गुजराती बोलने वाले 11 लोग हैं वो लिख दिया हमने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या दिया है, 5 लोग ऐसे हैं जो मराठी और गुजराती बोल रहे हैं, मराठी इंटरसेक्शन गुजराती, ये 5 हो गए। फिर क्या दिया है, 9 ऐसे हैं जो मराठी और पंजाबी बोल रहे हैं, मराठी इंटरसेक्शन पंजाबी, 9 लोग हो गए आपके। फिर 4 ऐसे हैं जो पंजाबी और गुजराती बोल रहे हैं, पंजाबी इंटरसेक्शन गुजराती, ये कितने 4 लोग हो गए। और 3 ऐसे दिए हैं जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन है, मराठी पंजाबी गुजराती तीनों का इंटरसेक्शन 3 है। ठीक, अब इसके लिए इस इंफॉर्मेशन को हम अगर वेन डायग्राम में डालें तो वेन डायग्राम भी हम आपके लिए बना के यहाँ दिखा दें। 3 सेट का बनेगा, एक पंजाबी, एक मराठी और एक गुजराती। ये P हो गया, ये M हो गया, ये G हो गया। ठीक, अब इसके हिसाब से हम पहले से ही सपोज कर लेते हैं हर एक पार्ट के लिए कुछ लेटर। मान लीजिए ये तीनों का इंटरसेक्शन A से डिनोट कर रहे हैं, इधर
अच्छा ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में, यहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी, और ये बाहर कुछ नहीं है, ये एच हो गया आपका, ये टोटल यूनिवर्सल हो गया। हमने इस तरह से इन्फॉर्मेशन अरेंज कर लिया। आपके पास तीन सबसेट्स हैं, एक पंजाबी वाला, एक मराठी वाला, एक गुजराती वाला, ठीक। ये तीन सबसेट्स हैं आपके पास, तीनों की जो इन्फॉर्मेशन है उसको ए बी सी डी के फॉर्म में लिख लिया। अब ये इन्फॉर्मेशन, अब इस इन्फॉर्मेशन को अरेंज करेंगे इस तरह से कि एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। जैसे एम के लिए एम टोटल 15 है, एम कितना है आपका, आप यहाँ ध्यान दीजिए, एम आपका कितना हो गया, बी ई एफ सी, ये सबको जोड़ के एम आया, बी प्लस ई प्लस सी प्लस एफ। टी कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। फिर जी कितना आया आपका, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, इन चारों को जोड़ के। देख लीजिए हम इक्वेशन इससे बनाते चले जा रहे हैं, या सपोज कर लीजिएगा उससे ये इक्वेशन फॉर्म होती चली जाएंगी। एम इंटरसेक्शन जी, एम और जी, एम और जी का इंटरसेक्शन देखिए ये है, ये एम और जी का इंटरसेक्शन है, ई और एफ, या गया ई प्लस एफ। एम और पी का इंटरसेक्शन, एम और पी का इंटरसेक्शन ये है आपका बी और ई, तो बी प्लस ई। और फिजिक्स और गुजराती, अरे पंजाबी और गुजराती, इसका आपका इंटरसेक्शन है डी और ई, और ये तीनों का इंटरसेक्शन है आपका ई। तो अगर आप इसको इस तरह से कंपेयर करके वैल्यूज लिख लेंगे तो आप देखिए ई की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब आप ई की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो वन बाय वन आपके पास डी बी और एफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देख लीजिए कैसे आ जाएगा, ई की वैल्यू 3 है तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो डी की वैल्यू 1 आ जाएगी आपके पास। ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास बी की वैल्यू 6 आ जाएगी। E की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर देंगे तो F की वैल्यू आपके पास 2 निकल के आ जाएगी। इस तरह से ये B D F आ गया, E भी आ गया आपके पास। अब इसको वन बाय वन यहाँ पुट करके हम बची हुई वैल्यूज निकालेंगे। जैसे D E F G है तो आपके पास देखिए D भी आ चुका है, E भी आ चुका है, F भी आ चुका है, सिर्फ G निकालना है आपको। तो आप वन बाय वन D 1 हो गया, E 3 हो गया और F 2 हो गया, इन तीनों की वैल्यू को वन बाय वन यहाँ पुट करेंगे तो G की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 3 4, 4 और 2 6, 6 को यहाँ रखा तो G की वैल्यू आपके पास 5 निकल के आ गई। फिर इसी तरह आप यहाँ पे A B D E है तो B मालूम है, D मालूम है, E मालूम है, B की वैल्यू 6 है, D की वैल्यू 1 है और E की वैल्यू 3 है, 6 7 और 3, ये 10, 10 को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू निकल के आएगी 2। यहाँ पे देखिए B मालूम है, E मालूम है, F मालूम है हमको, B की वैल्यू हमारी 6 हो गई, E की वैल्यू 3 9 और F की वैल्यू 2 11, ये 11 हमको यहाँ पे पता चल गया तो यहाँ से C की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4। इस तरह से वन बाय वन हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए। ये सिंपलेस्ट मेथड है, जब तीन सेट का आपको अगर करना हो, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ये सिंपलेस्ट मेथड है जिसके थ्रू हम सारी अननोन वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। अभी भी देखिए एच बचा हुआ है। और एक चीज, सर्वे 25 पीपल का हुआ था, मीन्स यहाँ पे ये यूनिवर्सल दिया है, यूनिवर्सल है 25। यूनिवर्सल मतलब क्या हो गया, ये सारी चीजें, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, ये पूरा यूनिवर्सल हो गया। सारी चीजों को मिला लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये पूरा यूनिवर्सल है। तो इसमें सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, क्या नहीं आया, एच नहीं आया। तो हम सारी वैल्यूज को अगर यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास एच की वैल्यू भी आ जाएगी। अब देखिए हमें निकालना क्या क्या, हम कंपेयर करते जाएंगे, हमारे सारे सॉल्यूशंस आ गए, इन सबको आपको इक्वेशंस के थ्रू वन बाय वन सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये आप सॉल्व करके दिखाएंगे वन बाय वन इक्वेशंस बना करके, क्योंकि जगह नहीं है, हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इवन दो अगर क्लियर नहीं होता है तो आप हमसे क्लियर करवा लीजिएगा, पूछ लीजिएगा हमसे, आइदर कमेंट से और कॉल से या मैसेज से। नाउ फर्स्ट हमको क्या कैलकुलेट करना था, कि ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ गुजराती बोलते हैं। ऐसे लोग कौन से हैं जो सिर्फ गुजराती बोलते हैं, जी,
स्मॉल जी रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे लोगों को, सिर्फ गुजराती बोलते हैं ये, ना पंजाबी बोल रहे हैं, ना मराठी बोल रहे हैं, ना तीनों बोल रहे हैं, ये जी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली गुजराती। जी की वैल्यू आपकी आई थी यहाँ 5, तो ये 5% ऐसे हो गए जो सिर्फ और सिर्फ गुजराती बोलते हैं आपके। फिर सेकेंड आपका क्या हो गया यहाँ पे, ओनली मराठी, ऐसे लोग जो ओनली मराठी मीन सी, सिर्फ सी हो गया, सी ऐसे लोग हो गए जो सिर्फ और सिर्फ मराठी बोलते हैं, सी की वैल्यू आपकी 4 आ गई आपकी। फिर थर्ड आपका था ओनली पंजाबी, ए आपको फाइंड करना था, ए की वैल्यू आपने यहाँ निकाली, 2 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पंजाबी बोलते हैं, ये 3 निकल गया। फोर्थ आपको कैलकुलेट करना था पंजाबी एंड गुजराती बट नॉट मराठी, मीन्स ऐसे लोग जो पंजाबी बोल रहे हैं, गुजराती बोल रहे हैं बट मराठी नहीं बोल रहे हैं, कौन सा पार्ट है डी, ध्यान दीजिएगा डी, ऐसे लोग हो गए जो पंजाबी भी बोल रहे हैं गुजराती भी बोल रहे हैं लेकिन ये डी वाले लोग मराठी नहीं बोल रहे हैं, तो डी का आंसर आपका आया था 1, मीन्स एक ही ऐसा पर्सन है जो पंजाबी और गुजराती बोल रहा है लेकिन मराठी नहीं बोल रहा है। सेम इसी तरह मराठी और पंजाबी बट नॉट गुजराती, मराठी एंड पंजाबी बट नॉट गुजराती, मतलब ये बी हो गया, बी ऐसा पर्सन हो गया जो मराठी और पंजाबी जानता है बट गुजराती नहीं जानता है, बी की वैल्यू 6 आई थी, मतलब 6 ऐसे लोग हैं। फिर इसके बाद आया आपका एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 लैंग्वेजेस, मीन्स ऐसे लोग जो कम से कम एक लैंग्वेज तो जानते हो, मतलब वो 2 लैंग्वेज वाले लोग भी हो सकते हैं, 3 लैंग्वेज जानने वाले लोग भी हो सकते हैं, मतलब आपको ए बी सी डी ई एफ जी इन सब का टोटल चाहिए। कैसे लोग, मतलब जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये पूरे लोगों का हम कह रहे हैं बात, ये लोग ऐसे हो गए जो एटलीस्ट एक लैंग्वेज जानते हैं, एटलीस्ट 1 ऑफ द लैंग्वेजेस, इसमें ऐसे लोग नहीं है जो एक भी लैंग्वेज न जानते हो, इसमें वही लोग हैं जो कोई ना कोई लैंग्वेज तो जानते ही है, हो सकता है वो एक जानते हो, 2 लैंग्वेज जानते हो या तीनों जानते हो, तो ये सारे लोगों को ऐड करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी, जितनी भी वैल्यूज हमारे पास निकली है, ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई आपकी 6, सी की वैल्यू आपकी आ गई 4, डी की वैल्यू आपकी 1, ई की वैल्यू 3, F की वैल्यू हो गई 2 और G की वैल्यू आपके पास 5, इन सब को ऐड करेंगे हम 12 और 10 22 1 23, ये 23 persons आए आपके जो कम से कम एक लैंग्वेज तो जानते ही जानते हैं। अब आपका क्या पूछ रहा है, ओनली 1 ऑफ द लैंग्वेज, ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानते हैं, ऐसे कितने लोग हैं टोटल, A C और जी, ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानते हैं, ए वो बंदा है जो सिर्फ पंजाबी जानता है, सी वो बंदा है जो सिर्फ मराठी जानता है, जी वो बंदा है जो सिर्फ गुजराती जानता है, तो ए सी और जी इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज जानने वाले, ऐसे लोग जो कोई लैंग्वेज नहीं जानते, टोटल 25 लोग थे उसमें से 23 लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई लैंग्वेज जानते हैं, तो अब आप इसको भी माइनस करके एच की वैल्यू निकाल लोगे तो एच आपके पास वो 2 लोग आ जाएंगे जो सिर्फ कोई लैंग्वेज नहीं जानते, जो न पंजाबी जानते हैं, न मराठी जानते हैं, न गुजराती जानते हैं, ऐसे लोग इन 25 लोगों में जो ये तीनों लैंग्वेज नहीं जानते हैं। तो ये एक तरीका है, एक वे है जिसमें हमने ऑपरेशन ऑफ सेट को पर्टिकुलरली एज अ फॉर्मूला नोट डाउन न किया हो, नहीं किया है, और उसके बिना हम इस मेथड से एक इक्वेशन बना के क्वेश्चन को बहुत सिंपलेस्ट मैनर में सॉल्व कर सकते हैं और पुटअप कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसमें फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जब 3 सेट का आता है तो वहाँ पे कहीं कहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है कि इस तरह से सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, एंड उसमें ये मेथड हमारा सिंपलेस्ट होता है। हमने एक और क्वेश्चन लिया है 3 सेट वाला जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें आप इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, वो कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं। पहले उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5th वाला है वो क्या कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 38 पर्सन
इन अ ग्रुप 38 पर्सन लाइक फुटबॉल, इन अ ग्रुप 38 पर्सन लाइक फुटबॉल, 15 बास्केटबॉल एंड 20 क्रिकेट। एक ग्रुप है जिसमें 38 पर्सन फुटबॉल लाइक करते हैं, 15 को बास्केटबॉल पसंद है और 20 लोगों को क्रिकेट पसंद है। इफ देयर वेयर टोटल ऑफ 58 पीपल, टोटल 58 पीपल हैं और तीन पीपल को तीनों गेम पसंद है एंड थ्री पीपल लाइक ऑल थ्री स्पोर्ट, देन फाइंड हाउ मेनी लाइक एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट। क्या पूछ रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, हम पहले आपको इसको वेन डायग्राम में आपको शो कर रहे हैं कि ये क्या पूछ रहा है। इसमें फुटबॉल को हम एफ से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, बास्केटबॉल बी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, क्रिकेट को सी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। आपको हम पहले ये समझाना चाह रहे हैं कि वो पूछ क्या रहा है और दिया क्या है आपको। आपको ये दिया है कि तीनों का टोटल 58 लोग हैं, मीन्स एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी, ये टोटल आपको 58 दिया है। फिर आपको कह रहा है कि ये 38 लोग हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं, 38 लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं। फिर 15 लोग बास्केटबॉल पसंद करते हैं, 15 लोग बास्केटबॉल पसंद करते हैं और क्रिकेट पसंद करने वाले 20 लोग हैं। हम इसमें से ये चारों में से चार इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ नोट किए, हम कोई भी यहाँ अभी पुट नहीं कर सकते किसी भी तरह से, तीनों का सम 58 है हम नहीं डाल सकते कहीं। एफ टोटल हमको दिया हुआ है, हमें ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, हमको टोटल 58 दिया। इस तरह हमें तीनों का ये भी दिया, हम इसको भी पुटअप नहीं कर सकते। फिर तीन पीपल लाइक ऑल थ्री स्पोर्ट, हाँ ये हम पुटअप कर सकते हैं कि तीन लोग ये तीनों स्पोर्ट जानते हैं, तो ये तीनों को हम यहाँ कॉमन है तीनों के लिए, ये वैल्यू 3 की हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड हाउ मेनी लाइक एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट। एग्जैक्टली मीन्स ऐसे लोग आपको फाइंड आउट करने हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ दो स्पोर्ट्स की जानकारी हो, न एक की न तीन की, ऐसे लोग जिनको एग्जैक्टली दो स्पोर्ट्स की जानकारी हो, ये वो लोग हो गए, ये लोग हो गए, ये लोग हो गए। ये वाले कौन से हो गए, जिनको फुटबॉल और बास्केटबॉल आता है बट क्रिकेट नहीं आता। ये वो लोग हो गए जिनको बास्केटबॉल और क्रिकेट तो आ रहा है बट फुटबॉल नहीं आ रहा है। ये वो लोग हो गए जिनको फुटबॉल और क्रिकेट आ रहा है बट बास्केटबॉल नहीं आ रहा। तो हमें ऐसे लोगों को काउंट आउट करके लिखना है जो एग्जैक्टली दो स्पोर्ट जानते हो आउट ऑफ द थ्री। अब इसको सॉल्व करने के लिए, हाँ ये इन्फॉर्मेशन लिखना भूल गए, एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 3, ये हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे जो यूनियन वाला हमने लास्ट क्लास के पहले पढ़ा था, जिसमें फॉर्मूले डिस्कस किए थे, उसमें एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला ये था आपका एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, एंड लास्ट में प्लस होता है तीनों का इंटरसेक्शन, एफ का बी का और सी का। ये आपका फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। यूनियन का टोटल वैल्यू हमको मालूम है 58 है, ये 58 टोटल वैल्यू है, ये हमने पुट कर दिया इधर, एंड एफ की वैल्यू हमें मालूम है 38 है, वो पुट कर दिया, बी की वैल्यू 15 है और सी की वैल्यू 20 है, ये पुट किया, माइनस ये तीनों हमें नहीं पता है, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ प्लस ये हमें पता है इंटरसेक्शन तीनों का 3 है, ये हमने लिख दिया। अब इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये और ये इन तीनों का कंबाइंड बैलेंस इस इक्वेशन से आएगा, ये इक्वेशन से हमारे पास आएगा एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, इसकी कंबाइंड वैल्यू हमारे पास आएगी, ये कितना आ जाएगा 38 48 53 53 73 73 और 73 में 3 ऐड कर दिया 76 76 में से हम माइनस करेंगे 58 तो 18 ये 18 निकल के आया, ये 18 इन तीनों का टोटल है।
अब ये किसका टोटल हम यहाँ पे बनाएंगे, शेडेड करेंगे, ये जो वैल्यू आ रही है ये किसका टोटल है हम यहाँ शेड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एस इंटरसेक्शन बी, एस इंटरसेक्शन, ये सब हटा दें ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए एफ इंटरसेक्शन बी ये आया, मीन्स एफ और बी दोनों को लेने वाले लोग, ये हो गए आपके, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, ध्यान दीजिएगा बी और सी का इंटरसेक्शन, ये बी और सी का इंटरसेक्शन हो गया। फिर सी इंटरसेक्शन एफ, सी इंटरसेक्शन एफ मतलब ये इतना पूरा, ये अब आप फिर से ध्यान दीजिएगा आप जरा कि यहाँ पे ये तीन जो सर्कल हमने बनाए हैं, ये और ये, जब हमने ये वाला पार्ट लिया, ये वाला पार्ट लिया, तीनों जब हमने लिया तो ये जो बीच वाला है ये तीन बार ऐड हुआ है, ये जो बीच वाला है ये तीन बार ऐड हुआ। जब आप ये तीनों का टोटल करोगे तो ये जो इंटरसेक्शन है तीनों का ये थ्री टाइम्स आ रहा है, ठीक है। फिर से देख लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम है, फिर से बना के दिखा रहे हैं, ये दिख नहीं रहा आप लोगों को, रुकिए हम फिर से बना के दिखा रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो रहा है तो हम फिर से बना रहे हैं। देखिए हम सिर्फ तीन सर्कल्स बना रहे हैं, बस सिर्फ आपको समझाने के लिए ये तीन सर्कल बना रहे हैं। देखिए एक ये इंटरसेक्शन दिया है, ये इतना, ठीक, इसको हम शेड कर रहे हैं ये। फिर दूसरा दिया है ये इंटरसेक्शन, ये पूरा, इसको भी हम शेड कर रहे हैं ये। फिर ये तीसरा इंटरसेक्शन ये, तो इन तीनों में ये जो बीच वाला है, ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ये पार्ट आपका तीन बार ऐड हो जा रहा है। इसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ये वाला पार्ट तीन बार ऐड हो जा रहा है। आप फिर से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको निकालना क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है, सिर्फ ये वाला, मीन्स ये पूरे तीनों का जो सम आया उसमें से अगर हम थ्री टाइम्स ऑफ दिस माइनस कर दें तो ये बचा हुआ रह जाएगा। बहुत लॉजिकल समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें ये चीज पूछ रहा है कि एग्जैक्टली टू वाला चाहिए और आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो इसका टोटल आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है और इसका टोटल आ रहा है। इन तीनों के टोटल में से ये वाला सिर्फ हटा दें अगर, जो थ्री टाइम्स इंक्लूड हो रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वाली की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, थ्री, इसकी वैल्यू थ्री है और ये थ्री टाइम्स आ रहा है इसमें, इसके सम में, मतलब थ्री और इंटू थ्री, नाइन जो ऐसे लोग हैं जो इसमें एडेड है एक्स्ट्रा, अगर उनको हटा दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि कितने लोग हैं जिनको एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स पसंद है, एग्जैक्टली टू ऑफ थ्री स्पोर्ट्स पसंद रखने वाले कितने लोग हैं। इस 18 में से माइनस कर दें 3 इंटू थ्री, दैट इज टोटल 9 ऐसे लोग आ जाएंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ दो स्पोर्ट पसंद है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये नहीं, जो तीनों है वो नहीं चाहिए हमको, हमको सिर्फ ये तीन पार्ट चाहिए। और ये तीन पार्ट निकालने के लिए जो टोटल आ रहा था, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये सम आ रहा था हमारे पास यहाँ पे, इसमें ये तीन बार आ रहा था, उसको हमने हटा दिया थ्री टाइम्स जो आ रहा था, तो हमारे पास जो बच गया वो ऐसे लोग बच गए जिनको सिर्फ और सिर्फ दो स्पोर्ट, एग्जैक्टली बोला है एग्जैक्टली दो स्पोर्ट पसंद है आउट ऑफ द थ्री स्पोर्ट। दिस इज व्हाट, जब तीन सेट का होता है तो प्रॉब्लम सब ऐसे सॉल्व होते हैं, जिसमें फर्स्ट वाला मोस्ट सिंपलर था, बहुत सिंपल वे में सॉल्व होने वाला था, नेक्स्ट वाले को थोड़ा सा ट्रिकी हमने उठाया था ताकि आपको लॉजिक समझा सके और करने का तरीका बता सके कि हर बार एक मेथड अप्लाई नहीं हो सकता है, आपको सोचना होगा, लॉजिक लगाना होगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आप ये भी कह सकते हो ये वो क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूले का यूज हुआ है, यहाँ बिना फॉर्मूला यूज किए निकालना बहुत कठिन पड़ जाता, इक्वेशन बना के निकालते तो बहुत मुश्किल होती, और यही फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने से क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, वहाँ फॉर्मूला लगाते तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती। तो ये लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा कि किसमें क्या लगाएं कि वो मोर सिंपलर फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये क्लास यहाँ पे आपकी क्लोज होती है जिसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्व करके डिस्कस कर लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।